मैंने कपड़े डिसाइड कर लिया कि मैंने कौन से पहनने हैं, और मैं चेंज करके मिलती हूँ, घंटा अपना ज़ाया कर लिया मैं चेंज कर। हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग सब? और आज है संडे। पिछले संडे को आप लोगों ने मेरा एक व्लॉग देखा होगा जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। खैर वो बोला मैच तो इंडिया इंडिया जीत गई थी और पाकिस्तान आ गया था। और आज फिर से पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, 7 बजे फिर से मैच है। और इस दफ़ा मैं कह रही हूँ पाकिस्तान टॉस भी जीत जाए ताकि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे और बाद में बैटिंग करे। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। जैसे पिछली दफ़ा नहीं, 2 दिन पहले जैसे हांगकांग के साथ मैच जीता, 38 पर उन्होंने हांगकांग के ऑल आउट कर दिए थे और 194 का टारगेट दिया था। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खेले थे। तो ये आज इसी तरह की उम्मीदें हैं। तो 7 बजे मैच है, मैं मिलती हूँ। तो आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जैसे कि आप लोग बताए, और आपको मैं कुछ घर वालों से भी पूछूंगी कि वो लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताओ अली, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो और पाकिस्तान कितना टारगेट देगा तो जीतेगा? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। लगता है कि 180 से अबव होगा पाकिस्तान टारगेट देगा किसको, इंडिया को। बैक टू बैक विकेट गिरेंगे, ठीक है ना, फिर जीत सकता है। और तुम बताओ कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए या फिर बैटिंग? पहले मैं भी बॉलिंग करनी चाहिए पाकिस्तान, टॉस जीतेगा तो बॉलिंग करेगा ना, पर इसलिए दुआ करनी चाहिए कि पहले टॉस भी जीते और मैच भी जीते। पिछला मैच बहुत बुरा हार है। और प्लीज़ इस व्लॉग में छुप करके बैठना। अच्छा जी, तो अभी टॉस होने में भी आधा घंटा पड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा डर लग रहा है और हम डर डर में चाय पी रहे हैं। थोड़ा इंजॉय करना भी ज़रूरी है, साथ में डर भी लग रहा है कि मैच स्टार्ट होना है। खैर पता नहीं क्या होगा, उम्मीदें तो आज जाएँ कि पाकिस्तान जीतेगा ही जीतेगा। यकीन इतना है ना कि पाकिस्तान ने जीतना है यार, दिखा रही हैं बस, ज़्यादा नहीं। देखो याद है टॉस होने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, इतना दिल घबरा रहा है, पता नहीं कौन जीतेगा। मैं तो कह रही पाकिस्तान टॉस जीत जाए और पहले बॉलिंग ले ले तो मैच इजी हो जाएगा, ताकि टारगेट जब पता चल जाता है ना तो टीम पे प्रेशर होता है कि हमने ये टारगेट करना है। तो देखो क्या होता है। मैंने कहा आज मैंने मोबाइल पकड़ के नहीं वीडियो बनानी, ज़्यादा मुझे टेंशन होती है, तो रिंग लाइट मोबाइल लगाया है। देखो क्या होता है, टारगेट को छोड़ो, पहले टॉस तो देखो क्या होता है, कौन जीतता है टॉस। वही लेंगे तो फाइनली पाकिस्तान टॉस जीत चुका है। और पिछली बार इंडिया टॉस जीता था और दोबारा फाइनली पाकिस्तान टॉस जीता, जिसके लिए मैं कहती थी कि पाकिस्तान प्लीज़ टॉस जीत जाए। तो फाइनली पाकिस्तान टॉस जीता और पाकिस्तान ने पहले दिया बॉलिंग। पाकिस्तान की बॉलिंग तो वैसे ही सबको पता है कि कैसी है, बहुत ज़्यादा कमाल है। पाकिस्तान बस उनका टारगेट बनाना है थोड़ा कम दे, फिर तो पाकिस्तान का ही मैच है। और हाँ, अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो मैंने अपने घर वालों को खिलाना पिज्ज़ा या फिर बर्गर को जो खाना चाहिए। तो देखना है क्या होता है। पाकिस्तान मैच स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, देखो क्या होता है। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी फैमिली आ रही थी, तो शोर कमरे में बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था और वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। और इंडिया स्टार्टिंग के ओवर में इतने ज़्यादा मतलब छक्के या चौके मारा था, मतलब मुझे तो लग रहा था 200 का टारगेट या प्लस हो जाएगा यार। मतलब शुरू में इन्होंने नसीम शाह को आज इन्होंने बहुत ज़्यादा छक्के मारे हैं। मतलब आज सिर्फ शादाब खान और नमाज ने विकेट लिया है। मतलब शुरू में डर लग रहा था थोड़ा, पर बाद में बहुत बहुत अच्छा हो गया। फाइनली इंडिया के 3 आउट हो गए, बट उन्होंने स्कोर अच्छा मार दिया है, तो कोई बात नहीं, विकेट तो ले ली ना। अब हमारा पॉइंट है कि हम लोग विराट कोहली को आउट करेंगे। देखो पाकिस्तानी बॉलर पर हमें बहुत बहुत ज़्यादा यकीन है, पर हमारे घर वाले चुप नहीं हो रहे, क्या इसको इग्नोर करना, ये नहीं जो बोल सकते यार, प्लीज इग्नोर। अरे कमर के भैया, हमें चुप नहीं कर रहे यार।
और आज इतनी कमाल की बॉलिंग शादाब खान ने की है ना यार, मतलब बहुत, जब इसका ओवर आता था ना मुझे ज़्यादा खुशी होती थी कि यार ज़रूर ये विकेट लेगा, मतलब इसकी आज बॉलिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा जी, तो अब इंडिया ने पाकिस्तान को टारगेट दिया है 182 का, तो उम्मीद है पाकिस्तान ईजीली कर लेगी। देखो अब आधे घंटे बाद मैच शुरू होगा, देखो क्या होता है, ईजी बना सकता है। मतलब जब पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी थी ना, मतलब बाबर आजम की मेरे फेवरेट प्लेयर की यार, तो मुझे तो सदमा ही हो गया था, मैं तो बैट पे गई थी कि यार अब ये क्या हो गया है। फिर वक़र जमान आया, फिर उसने थोड़ा सा मैच थोड़ा सा बदला, मतलब छक्के मारे, तो फिर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि यार चलो विकेट गिरी है कोई बात नहीं, पर पाकिस्तान को जीत। तो अब पाकिस्तान के दो आउट हो गए हैं, पर पाकिस्तान बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। बाबर आजम आउट हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा दुख है मुझे। खैर पाकिस्तान इंडिया से अब इस दफ़ा ज़रूर जीते, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रिजवान तो कमाल कर गया, हाफ सेंचुरी हो गई है, और कमरे में मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि पूरा कमरा भरा हुआ है, सब आए हुए हैं, सब बैठ के मैच देख रहे हैं, बहुत शोर है, क्या करें। पाकिस्तान को 20 बॉलों पे 30 रन चाहिए, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इजीली जीत सकते हैं। तो ना रिजवान आउट हो गया, अब देखो रिजवान की जगह कौन आता है, मैच स्टार्ट होने वाला है, बीच में कमर्शियल हुई है, तो देखो क्या होता है। बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, देखो हम चलते हैं। एक और मारते तो बहुत अच्छा दिखने वाला है। और यहाँ पर मुझे इतनी इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि दो बॉल पे दो रन चाहिए थे, और आसिफ अली भी बीच में आउट हो गया है यार, मतलब यहाँ पर मैच मतलब बहुत ज्यादा फंस गया था कि अब क्या हो सकता है। मैं कह रही थी कि यार इतना करीब आए हैं तो ज़रूर जीते, कि आखिरी बॉल तक बंदा बहुत सोच लेता है कि अब हम जीत जाएंगे, आखिरी बॉल तक आकर हारे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर आज मुझे पक्का पक्का यकीन था कि पाकिस्तान ने जीतना है। पाकिस्तान विन कर गया मैच, बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला हुआ है जो सब लोग चाहते थे, पर टक्कर का मुकाबला होने के बावजूद भी हम लोग विन करेंगे फाइनल, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा है यार, एशिया कप हमने जीतना है इंशाल्लाह। अच्छा नहीं तो फाइनली फाइनली पाकिस्तान ने मैच विन कर लिया यार, इतना अच्छा जीते हैं, मतलब इतना, मतलब लास्ट में विकेट भी चली गई थी आसिफ अली की, तो फिर भी मुझे इफ्तखार आया, उसने मार दिया चौका यार, इतना कमाल, इतनी खुशी, मेरा तो गला दर्द कर रहा है, चीखे मार मार के भी मैं सब खाना खाया, मैंने कहा जीतने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत बहुत टेंशन हो गई, बाबर आजम आउट हुआ तो मुझे इतनी टेंशन हो गई, पर नवाज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है, रिजवान भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है, खैर सब ने अच्छा खेला है, पाकिस्तान जीत गया, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हम लोगों ने, आज मैच देखने का इतना ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हमारी सारी फैमिली आई हुई थी, मतलब चाचू वगैरह था वो सब लोग आए हुए थे, मैच देखने का इतना मज़ा आया, सब कजन्स इकट्ठे होकर मैच देखे, इतना ज़्यादा मज़ा आया, मतलब पिछले वाले मैच से ये वाला मैच ज़्यादा इंजॉय किया, वो तो हारे भी थे, वो करना भी नहीं था, इसमें तो हम जीते हैं यार, और मेरा हाथ दर्द करे बात मिलती नहीं, तो पाकिस्तान मैच जीता और खुशी में चाय ना बने महफिल में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, हर महफिल की एंड चाय से ही होती है। हमारे घर में सब मेहमान आए हुए थे, मैच देखने सॉरी, मतलब हमारी पूरी फैमिली आ गई और मैच देखने का ज़्यादा मज़ा आया हमें, साथ बैठे जीतने की तो खुशी आपको पता है कि अलग होती है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच और आज का मैच भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था, दोनों टीम ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, अच्छा परफॉर्म किया, पर जो सरदार जी ने कर छोड़ा है ना, कैच छोड़ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा किया यार, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सके थे, देखें जी कर भी सके थे, खैर ये बात हुआ, पिछला मैच हमारे हम दुख में देर हो रहे थे, अब ये वाला मैच हम जीते हैं और हमारी खुशियाँ ही नहीं, हारने हारने के बाद खुशी जी, तो पाकिस्तान अब जीत गया, और जो मैंने अपना वादा किया था अपने घर वालों से कि पाकिस्तान जीतेगा तो मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, अभी तो बच गए हैं 12 और सबने खाना भी खा लिया, तो अभी किसी भी का भी खाने का मूड नहीं हो रहा पिज़्ज़ा, तो अब जो भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा जो भी उसमें ये मैं वीडियो डालूंगी कि मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मैं कल सबको पिज़्ज़ा मंगवा कर दूँगी, तो यहाँ पर होता है मेरे व्लॉग का एंड, और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, अब तो पाकिस्तान भी जीत गया इसी खुशी में सब्सक्राइब कर दो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।